What happened? तुम इतनी परेशान क्यों? वहाँ पे एक बिल्ली, वहाँ पे कोई मेरा पीछा कर रहा है। क्या? चलो देख के आते। अरे नहीं नहीं, तुम घर ही मेरा कैंप ढूंढने में मदद करा दो प्लीज। किधर है तुम्हारा कैंप? I don't know. अरे वो एक्चुअली मैं भी रास्ता खोल चुका हूँ। कैंपिंग करने निकला था बट आई लॉस्ट माय वे। तुम्हारी चीख सुनी इसलिए यहाँ आ गया। अरे पर तुम टेंशन मत लो, हम दोनों साथ में तुम्हारा कैंप ढूंढेंगे। डोंट वरी। बाय द वे अंकृष खन्ना, एंड यू? मीरा। व्हाट अ कोइंसिडेंस, मीरा और क्रिश। चलो दिस अनाइंग लेडी, तुमने 10 बार कॉल करती है यार। हेलो, यस मॉम, आप टाइम देख के कॉल नहीं कर सकते हो क्या? इट्स ओनली 1 AM, क्या प्रॉब्लम है आपकी? हाँ मैं सो रही थी बट आपका कॉल आया ना तो उससे मैं उठ गई। ओके, एज इफ डैड इज गॉना टॉक टू यू राइट? दिस अनाइंग लेडी, 100 बार कॉल करती है एंड यू नो व्हाट, अनोइंग क्वेश्चंस पूछेगी। खाना खाया बेटा, क्या कर रही हो, सो गई क्या? गॉड, कौन पूछता है ऐसे क्वेश्चंस? जस्ट वांट टू ब्रीथ नाउ। गाइस मैं एक बार डैड को कॉल करके आती हूँ। Sanya, you know I'm in Australia. And I'm busy in meetings and all. Bar bar kyun phone kar rahi ho? Just talk to your mom first. I'll call you later. Are you out of your mind? Tumhe kya lagta hai? Main Meera hoon. Tum mujhe darana chahti ho, ha? Stupid. Don't you dare do that again. Babe, I'm sorry. What happened? Nothing. चलो गाइस यहाँ से चलते हैं। चलो एक बात बताओ, तुम भी उस दिल्ली ग्रुप के साथ आए हो, सानिया एंड ऑल? सानिया नाम तो अच्छा है पर पहली बार सुना है। वैसे है कौन ये और कौन सा ग्रुप? मैं एक गर्ल्स कैंपिंग के लिए यहाँ पर आई हूँ, पर यह लड़कियों ने रूल्स ब्रेक करके अपने बॉयफ्रेंड्स को भी बुला रखा है। मतलब तुम्हारा बॉयफ्रेंड भी आया होगा, isn't it? मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। वैसे तुम टेंशन मत लो, मैं भी बिल्कुल सिंगल हूँ। In case you wanted to know. Very funny. बस मैं और नहीं चल सकती। Sorry. अब मैं कोई सुपरमैन तो हूँ नहीं कि तुमको फट से उठा के फ्लाई करूँ। चलना तो पड़ेगा, come on. नहीं नहीं, मैं और नहीं चल सकती। अच्छा अरे अरे, ये क्या कर रहे हो? मुझे नीचे उतारो, मैं खुद चल सकती हूँ। अभी तो कह रही थी मैं बहुत थकी, मैं नहीं चल सकती। अब चलना तो पड़ेगा। नहीं नहीं, मैं खुद चलूंगी, उतारो मुझे। क्या दीदी
यक्ष, ये डराने की क्या जरूरत है यार? डरा दिया तुमने मुझे। अच्छा, कैंप भी करना और डर भी लगता है? नहीं, आई मीन पहले ये बताओ, ये बहादुर लड़का लड़कियों के कैंप में क्या कर रहा है? वो क्या है ना, मेरे पापा नहीं है और मैं भी छोटा हूँ, इसलिए मम्मी मुझे अकेले घर पे नहीं छोड़ती। लेकिन मुझे डर नहीं लगता, मैं रह सकता हूँ घर पे, वो भी अकेले। गुड, काश मैं भी घर पे ही रहती। एनीवे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ मैम के पास जाओ कैंप पे। बाय, गुड नाइट। बाय, गुड नाइट। It's me. तुम कल रात कहाँ चले गए थे इतनी जल्दी? I mean, कैसे? क्योंकि मैं भूत हूँ। अरे यार, मैं मजाक कर रहा था मीरा। कल रात को while trying to kiss you, मैंने एक छोटा लड़का देखा, इसलिए फटाफट भाग गया। अदरवाइज तुम्हारे लिए प्रॉब्लम हो जाती। अरे कभी दोबारा मत डराना, ओके? मुझे ऑलरेडी डर लग रहा है। किससे? तो यू शुड नो, मेरी केस भी राइट है। गो, यस वी डिड इट। ओके, कल हमें मैपिंग के हिसाब से कहाँ जाना होगा? और सानिया, ये तो ऐसे खुश हो रही है जैसे जंगल में मंगल हो गया है। मीरा, कम हियर। अरे, सो मच हैप्पीनेस, क्या हुआ? शेयर इट विद अस आल्सो ना। बस कल रात वाज द बेस्ट नाइट, यू नो, जंगल को और अच्छे से देखा और कैंप का असली मजा तो कल रात को आया। वैसे मुझे लगता है कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। मैं कल रात जिसकी वजह से भी जंगल पहुंची हूँ, मुझे लगता है कि मुझे उसे थैंक्स बोलना चाहिए। गर्ल्स, आर यू ऑल रेडी? Yes. Okay, then follow me. Come on. तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ पे कैसे आए? तुम्हें कैसे पता चला कि हम यहाँ पे हाइक पे हैं? हाँ, तुम कैसे? तुम कितना बोलती हो यार? थोड़ा ब्रेक तो लो, प्लीज। हम हाइक पे हैं। होने दो। बाकी स्टूडेंट्स और काउंसलर्स भी हैं। होने दो। अगर हमें किसी ने यहाँ देख लिया तो हम पकड़े जा सकते हैं। लेके पहला पहला प्यार भर के आंखों में खुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। लेके पहला पहला प्यार भर के आंखों में खुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। Yeah. Boy, you don't have to be the last one standing and show me you could be the one. तू अकेला मिल। निशा, वहाँ पे कोई लड़का था? निशा, वो कोई भूत था? निशा, वो सीरियसली मेरी बात मानो, वहाँ पे कोई था? क्या हो रहा है यहाँ पर? ये मैम, वहाँ पे ना कोई लड़का था मैम, कोई भूत, पता नहीं क्या था मैम, पर सीरियसली वहाँ पे कोई था। गर्ल्स, डोंट लाफ। ये क्या बकवास है मीरा? तुम एडमिट कर रही हो कि यहाँ कोई लड़का था इन दिस गर्ल्स कैंप? राइट मैम, मैं यकीन कीजिए, वो नॉर्मल लड़का नहीं था मैम, सीरियसली। उसके उसके दांत, खून और वो पता नहीं कुछ मैम, सीरियसली वो एक भूत था, भूत। मैम, आप मानने की कोशिश कीजिए। चुप रहो मीरा, अपनी बातों को कवर अप करने के लिए फालतू के बहाने मत बनाओ। मुझे लगता था कि तुम बहुत अच्छी लड़की हो विद स्ट्रॉन्ग वैल्यूज, बट आई वॉज रॉन्ग।
मुझे तुम्हारे पेरेंट्स को कॉल करनी ही होगी। नहीं मैम, आप मेरी समझने की कोशिश कीजिए, कोई तो मेरा यकीन मानो प्लीज। चुप हो जाओ। Amazing actor. लेकिन गेम अभी खत्म नहीं हुआ। Well, okay. But I thought जो तुम्हें चाहिए था, you got it. Camp counselor ने उसको सबके सामने humiliate किया. That is what you wanted, right? No, my love. Okay. अभी नहीं. अभी मुझे थोड़ा और ड्रामा चाहिए. Hey. क्या नया गेम प्लान चल रहा है तुम्हारे इस वेस्टर्न दिमाग पर? अभी तो बस हम लोग टिट फॉर टैट तक पहुंचे। बट यू नो ना, आई ऑलवेज लाइक टू बी ऑन द टॉप। अभी उस मीरा को और गिराना, आई मीन उसे और डराना है। कोई विश्वास नहीं करता, वो इंसान नहीं, वो एक प्लान चेक में। हनुमान जी प्लीज प्लीज मेरी मदद कीजिए प्लीज। कुछ भी नहीं है। स्टॉप एक्टिंग मीरा। मेरा यकीन मानिए, सीरियसली मैम, यहाँ पे लिखा हुआ था, आपको मेरा यकीन नहीं आता ना। एक मिनट रुकिए। ये देखिए उसकी नेटवर्किंग साइट पे वो मरा हुआ है मैम, ये देखिए। कौन सा पेज? यहाँ तो कोई भी पेज नहीं है। स्टॉप इट मीरा, आई थिंक यू आर लूजिंग इट। तुम्हें कल ही अपने घर वापस जाना होगा। चलो एवरीवन, कम ऑन, चलो अपने टेंट में सब। मीरा जी अब डरो मत, मैं हूं ना आपके साथ। ये लो, ये रखो, मैंने मॉम के बैग से निकाल लिया है। वो क्या है ना, हम लोग घर में अकेले रहते हैं ना, मॉम तो इसे रखती है, अब आप भी रखो इसे, ये आपकी रक्षा करेगा। Ha 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 ha!
Mira, I love you. I want my kiss, Mira. Mira, get out! Get out! Mira, are you mad? Huh? कहाँ बच के जाएगा? आज तुझे नहीं छोडूंगी मैं. कि सब डर चाहिए था ना तुझे? आज बच के कहीं नहीं जाएगा तू. Stop it, Mira. Have you gone mad? फेंको इसे. He's bleeding. ये क्या किया Mira तुमने? कोई पुलिस को बुलाओ. कौन है ये लड़का और कैंप में कैसे आया? मार डालूंगी उसे. छोडूंगी नहीं उसे. मार डालूंगी उसे. देखिए, इन्हें अटेम्प्ट मर्डर के चार्ज में फौरन गिरफ्तार तो करना चाहिए, लेकिन इनकी कंडीशन देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि इन्हें पहले हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा, क्योंकि इनका दिमागी तवाजुन बिगड़ चुका है. मार दूंगी मैं मार दूंगी इसे. ने गाड़ी में बिठाओ, ले चलो चलो. रुकिए, ये सब मेरी गलती थी. ये क्या कह रही हो सानिया? हम सबने देखा है कि मीरा ने उसे मारा है. नो मैम, मैंने उसको इतना मेंटली अनस्टेबल कर दिया था दैट शी हैड टू डू ऑल दिस. व्हाट? आई स्केयर्ड हर सो मच दैट शी लॉस्ट हर माइंड. मैम, जब मीरा ने आपको मेरे बारे में कंप्लेन की थी, आई कुड नॉट टेक इट. आई वॉज ह्यूमिलेटेड. आई जस्ट प्लेड अ प्रैंक. मैंने उसको साइकोलॉजिकली टॉर्चर करना शुरू किया और वो प्लांचेट, उसको भी मैंने ही टैम्पर किया था. कि उसको लगे कि वहां सच में कोई स्पिरिट है. मैंने उसकी ड्रिंक में ड्रग्स भी मिला दिए थे. हमने उसकी डायरी भी पढ़ ली थी व्हेन शी वाज आउटसाइड. और वहीं से मुझे आइडिया आया. I can use my boyfriend Krish to act as a Prince Charming, जो उसको जाकर फॉरेस्ट में बचाएगा and make her fall in love and then scare her being a ghost. और हमने उसको fake दांत और blood capsules भी दिए थे. हमने Krish का fake FB account भी बना दिया था with the help of a hacker friend. जब मीरा ने उसका अकाउंट चेक किया, she believed that Krish was no more. Everything was planned. In fact, that fake dead cat. Krish ने उसके टेंट में जाके रेड पेंट से लिखा था और जब वो बाहर गई तो उसने उसको मिटा दिया था. I don't know, it went so far. It just got messed up. I'm so sorry, ma'am. सानिया, तुम क्यों उस मीरा को बचा रही हो? Have you gone mad too? तुमने अभी तक जो कुछ कहा है उसका कोई प्रूफ है तुम्हारे पास? सर, मेरे पास प्रूफ है. वैसे गाइस, यहाँ सच में तो कोई भूतिया स्पिरिट नहीं है ना. आई मीन आई नो हम सिर्फ उसको प्रैंक कर रहे हैं, बट आई डोंट नो व्हाई इट फील्स लाइक कोई है हमें देख रहा है. हाँ, है ना, मैं हूँ ना. सानिया, हाउ कैन यू डू दिस? हाँ, तुमने हमारे खानदान का नाम मिट्टी में मिला के रख दिया है.
क्यों करती हो ये सब? हमें बेइज्जत करने के लिए? किस चीज की कमी छोड़ी है मैंने तुम्हारे लिए? मनी, फैसिलिटीज, सब कुछ तो दिया है मैंने तुम्हें, बट यू, शेम ऑन यू सानिया, शेम ऑन यू। सानिया, मैंने तुम्हें कितनी बार वार्न किया, लेकिन तुमने मुझे हमेशा ऐसे ट्रीट किया जैसे मैं तुम्हारी माँ नहीं, मैं तुम्हारी दुश्मन हूँ, और तुम्हारे डैड ने ही तुम्हें बिगाड़ा है। Yes, I'm a spoiled child. पापा, आपने मेरी सारी फैसिलिटीज, मुझे सब कुछ दिया है, लेकिन जो मुझे चाहिए था ना, वो आपने कभी नहीं दिया। आपका कंसर्न, आपका टाइम, आपकी केयर, कितने फोन किए आपको, एक भी फोन नहीं उठाया, हमेशा मुझे इग्नोर करते रहे, और उसी एंगर में ना मैंने मॉम को भी पुश कर दिया कि मैं अकेले ठीक हूँ, नहीं चाहिए मुझे कोई। I'm sorry, मॉम, मेरी वजह से वो जिंदगियां बर्बाद हो गई है, वो लड़की बेचारी है, lost her mind, और क्रिश जिसने मुझसे सच में प्यार किया था, मेरी वजह से आज हॉस्पिटल में है। I messed up everything. I'm sorry, mom. I'm really sorry. Don't worry, बेटा, सब ठीक हो जाएगा। सब ठीक तभी होगा जब हीरा मुझे माफ करेगी। मीरा, I'm really sorry. आई नो तुम पिछले 6 महीने से ये सब कुछ सुनकर फ्रस्ट्रेट हो गई होगी ना। तुम्हें पता है जो क्रिश है ना, वो पूरी अच्छी तरह से ठीक हो गया। एंड यू नो व्हाट, माय डैड इज अ चेंज्ड मैन नाउ, और मैं अपनी मम्मा से इतनी क्लोज हो गई हूँ कि मैं उनसे अपने सारे सीक्रेट शेयर करती हूँ। बस अब तुम भी अच्छे से ठीक हो जाओ। जो होता है वो के लिए होता है। ओह माय गॉड, मीरा, तुमने एक पूरा सेंटेंस बोला। अब देखना, तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओगी। डॉक्टर, नर्स, जल्दी आके इसको देखिए।